आप देख रहे हैं बिंद प्रदेश न्यूज 24 में आपके साथ मनीष। तो खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश के रीवा से बता रहे हैं, जहां रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के मार्गदर्शन में रॉयल राजपूत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निशा सिंह के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों गरीब परिवार के लोगों का टीकाकरण कराया गया। आगे जानकारी देते हुए रॉयल राजपूत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निशा सिंह ने बताया है कि हमारे संगठन द्वारा लगातार गरीब तबके के लोगों की मदद करने का सदैव प्रयास किया जाता रहा है। हम सभी हमेशा से जन कल्याण की भावना को लेकर संभव से समाज सेवा में कार्यरत हैं। इसी कड़ी में आज संजीवनी हॉस्पिटल में रॉयल राजपूत संगठन के द्वारा रीवा कलेक्टर के मार्गदर्शन में कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने वैक्सीनेशन टीकाकरण करवाया है। वहीं दूसरी ओर संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने रॉयल राजपूत संगठन के प्रति आभार जताते हुए रॉयल राजपूत संगठन के कार्यों की सराहना की है। तो खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश के रीवा से बता रहे हैं, जहां रीवा के रॉयल राजपूत संगठन के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब तबके के लोगों का टीकाकरण कराया गया है। पर आज हम पूरी टीम हमारी आई है और उसके साथ रॉयल राजपूत संगठन की पुरुष भाई भी आई है, उन्होंने भी सहयोग किया है। हम लोग दो दिन से लगातार यहाँ के क्षेत्रों में जाके घर घर जाके सबको प्रेरित कर रहे हैं कि वो कोरोना की वैक्सीन जो है वो लगाएं। और उसके बाद देखने को रुझान में तो ये आ रहा है कि यहाँ पे 100 से ऊपर का आंकड़ा पार हो चुका है और वैक्सीन भी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इसको हम अपनी उपलब्धि मानते हैं कि अभी नई आ जाए नई डोज, तो अभी हितग्राही बहुत सारे बैठे हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए। आगे इस प्रकार के आयोजन के लिए आपकी क्या स्थिति? हम लोग हमारा जो संगठन है वो समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। समाज सेवा से संबंधित किसी भी कार्य के लिए हमारा संगठन हमेशा खड़ा रहता है और सरकार हमें निर्देशित करे या कोई, और इसमें किसी जाति विशेष का कोई प्रावधान नहीं है कि हम किसी जाति के लिए कार्य कर रहे हैं। ये जरूर कहेंगे कि क्षत्रिय धर्म जो होता है वो सबकी सेवा में हमेशा से रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हम सबके लिए हमेशा तत्पर हैं, सबकी सहायता के लिए तत्पर, और ऐसे ही हम सब आगे भी कार्य करते रहेंगे। जी मैम, आपका नाम? हमारा नाम डॉक्टर निशा सिंह है और मैं रॉयल राजपूत संगठन की प्रदेश अध्यक्ष। तो संजीवनी स्वास्थ्य केंद्र सिरौला में आज वैक्सीनेशन का जो एक टारगेट था उससे कहीं ज़्यादा अचीवमेंट हमें मिला है। क्या था कि पहले या कुछ दिन पहले तक ऐसा था कि काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता था सिरौला देखने के लिए वैक्सीनेशन के क्षेत्र में, लेकिन आज जिस तरह से लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ उससे एक तरह से कहें तो 126 जो पिछला रिकॉर्ड था हमारे पास अब वो टूट चुका है और 140 के पार जा चुका है और ज़िले में वैक्सीन भी समाप्त हो चुकी करीब करीब। तो इतने कम समय में 10 बजे से लेकर 10 बजे हमने चालू किया 10:30 बजे और उससे अभी 2-3 बजे तक पूरी वैक्सीन खत्म हो गई हमारे पास। तो काफ़ी जल्दी समय में इन्होंने इतने सारे लोगों को बुलाया, उनको प्रेरित किया कि आप वैक्सीन लगवाएँ, तो हम इनका आभार व्यक्त करेंगे, इन्होंने ऐसा अच्छा काम किया।